गनर राकेश का हत्यारा जीआरपी की गिरफ्त में, जीआरपी ने ली ट्रांजिट रिमांड। गनर का हत्यारा कोर्ट में हुआ पेश। 16 जनवरी को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हुआ था गिरफ्तार। सुल्तानपुर में पुलिस ने सिपाही राकेश के आरोपी को रिमांड में लिया है। जिस आरोपी ने गनर को चाकुओं से गोंद दिया, उस आरोपी को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश किया गया और अब आरोपी को भगोड़ा फौजी भी घोषित कर दिया गया है। सुल्तानपुर जीआरपी ने आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लिया और कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें, बीते 25 अक्टूबर 2022 को गनर राकेश पर ट्रेन में हमला हुआ था। गाजीपुर से मोहम्मदाबाद सीट के विधायक मन्नू अंसारी के गनर राकेश चौधरी श्रमजीवी एक्सप्रेस से लखनऊ आ रहे थे, तभी बीच में सुल्तानपुर स्टेशन से पहले ही एक आरोपी ने मामूली बहस के बाद सिपाही राकेश पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया और फिर सरकारी कार्बाइन लेकर फरार हो गया। 2 नवंबर को सिपाही की मौत हुई। एसपी सहित जीआरपी के तमाम उच्चाधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और कई टीमों ने आरोपी की खोजबीन शुरू की, लेकिन करीब 2.5 महीने का समय बीत जाने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। इसी बीच 16 जनवरी को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दुर्गा ज्वेलर्स नाम की दुकान पर आरोपी लूट के इरादे से पहुंचा। उसने यहां पर भी दुकान के मालिक पर गोलियां चला दी, जिसके बाद उसे भागते हुए आसपास मौजूद लोगों ने घेर लिया और पुलिस को सौंप दिया। आरोपी के पास से वही सरकारी कार्बाइन मिली जो गनर राकेश से लूटी गई थी। वही उसके पास से मिले आईडी कार्ड से पता चला कि वो एक फौजी था जिसका नाम संदीप यादव है। उसने लगभग साल भर पहले छुट्टी ली और फिर कभी ड्यूटी पर लौट कर वापस ही नहीं गया। उसने अपना कर्ज उतारने के लिए इस लूट को अंजाम दिया था। खबरिया वेबसाइट की माने तो आरोपी ने जिस दिन गनर पर हमला किया, उस दिन वो बिहार के मुंगेर और भागलपुर से होकर लौटा था। आरोपी वहां हथियार खरीदने ही गया था। आपको बता दें, आरोपी की पेशी सीजेएम कोर्ट में हुई। वहीं जीआरपी ने पूरी मुस्तैदी के साथ उसे कोर्ट में पेश किया और आसपास काफी पुलिस वाले नजर आए। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अफजल खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।